इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का जो फर्स्ट जो इवेंट है वो है देखो न्यूट्रिशन। क्या है इसका नाम, क्या है देखो न्यूट्रिशन। अभी समझना होगा न्यूट्रिशन क्या, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है देखो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। एक तो क्या होता है खाना खाना, और खाना खाने के बाद उसको प्रोसेस करना और फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब खाना कंज्यूम करता है, कंजम्पशन का जो प्रोसेस है एंड उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है न्यूट्रिशन। क्लियर। नाउ न्यूट्रिशन अगर देखो मोड, हर एक ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है अलग अलग होता है। अभी यहाँ पे समझना होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके साथ रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड मतलब हाउ ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन और इनटेक देयर फूड। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड को ऑब्टेन करता है उसी को हम लोगों ने कलेक्टिवली नाम दे दिया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखो, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। थोड़ा डिटेल में अगर जाएंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है इसका उसे दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड टाइप ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है वो केमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे इसका दो टाइप है, वन इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड वन इज कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो पहले समझना होगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। ऑटो मींस सेल्फ, ट्रोफी मींस न्यूट्रिशन, मतलब द ऑर्गेनिज्म हुज कैन एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर अपना फूड बना सकता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अगर देखो यहाँ पे क्या टर्म लिखेगा, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो ये जो न्यूट्रिशन जो है इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट एनर्जी, जैसे ग्रीन प्लांट्स के केस में होता है या फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट एनर्जी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया दे दिया है फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। केमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है देखो, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपना न्यूट्रिएंट के हिसाब से कंज्यूम करता है एंड दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो केमिकल से उनका न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फुलफिल होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे दो टाइप का ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, वन इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफिक व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड दूसरा क्या है देखो केमो ऑटोट्रोफिक मतलब दैट डिपेंडेंट ऑन द केमिकल सब्सटेंस। तो ये हो गया टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी हम लोग चलते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन अगर देखो यहाँ पे तीन टाइप का हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज होमोजोइक न्यूट्रिशन, होमोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक
से प्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, थर्ड वन इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. तो दिस आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हेटरो का मतलब होता है ऑटो, मतलब सेल्फ था, हेटरो मीन्स नॉन सेल्फ भी बोल सकते हैं या फिर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें क्या क्या है, देखो होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. अभी हम लोगों को क्या करना है, जितना भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे मैंने लिखा है सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अभी देखो समझना होगा व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अगर देखो, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ठीक है, तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे देखो डेफिनेशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले भी मैंने बोल दिया था, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोगों ने, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोगों ने नाम दे दिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्या क्या था, वन इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड वन इज कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो पहले हम लोगों को समझना होगा फर्स्ट टाइप जो है वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. यह फर्स्ट टाइप क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अभी समझना होगा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर देखो, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लांट्स एबल टू प्रोड्यूस और एबल टू प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फिर से देखो, व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लांट. यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या क्या देखो, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्लोरोफिल होना जरूरी है, बिकॉज क्लोरोफिल इज द पिगमेंट व्हिच इज एबल टू ट्रैप द लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको फिक्स कर सकता है.
यहाँ पे देखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, दैट मींस इट इज जनरली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इन व्हिच क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लांट्स एबल टू प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कोई भी ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट अगर देखो अगर अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसका अगर सिंपल इक्वेशन हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देखा है, दैट मीन्स फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किन में जनरली दिखा देता है, जनरली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। क्या वो क्या है देखो, जनरली ग्रीन प्लांट्स जो होता है दे आर एबल टू परफॉर्म फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इक्वेशन क्या था फोटोसिंथेसिस का, इक्वेशन अगर देखो इक्वेशन इज 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 देन इट प्रोड्यूस वाटर एंड ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्सीजन, इट ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 मतलब दिस वन इज द ग्लूकोज एंड व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर और डेवलप बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड रॉ मटेरियल क्या है देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। तो ये हो गया हम लोग का फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी हम लोग को समझना होगा ये जो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या क्या होता है। अगर तुम लोगों का NCERT टेक्स्ट बुक देखोगे तब स्टेप वाइज कुछ प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है हाउ ग्रीन प्लांट्स यूज टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी हम लोगों को उस पार्ट को अच्छे से समझना होगा। अभी देखो हम लोगों ने जब फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया है तो पहले समझना होगा ये जो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ये कहाँ पे होता है। एज वी नो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कॉन्टेन व्हिच पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, पिगमेंट का नाम क्या है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल को हम लोग किस तरीके से पहचानते हैं, क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अभी यहाँ पे अगर देखो ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट में कंप्लीट होता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन ए पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस होता है। प्लांट के केस में एक पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली है उसका नाम क्या है देखो क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ प्लांट सेल ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस इज ऑकर्स। फिर से देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, देयर इज अ पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोग इससे सिंपली एक टॉपिक निकाल सकते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो सिंपली अगर आंसर क्या देखो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन ए पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम क्या है देखो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्लोरोप्लास्ट इज ए ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड इज कॉल्ड एज
क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड इज द सेलुलर मीनियल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इज द सेल ऑर्गेनेल या फिर प्लास्टिड इज द सेल ऑर्गेनेल व्हिच कंटेन क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट। फिर से देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड। अभी हम लोगों को समझना होगा ये जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें से डायग्राम पे लीफ, ठीक है, लीफ जो है प्लांट का अगर देखो इट इज ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन कलर क्यों है, बिकॉज द लीफ कंटेन दिस ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है अगर देखो, सब ये जो लीफ का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो जिसमें से लेमिना, पूरा जो लीफ का जो बड़ा जो ब्रॉड फ्लैटन पार्ट होता है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है लेमिना और लीफ ब्लेड बोल सकते हैं। देन जो वेन जो सेंटर से जाता है उसको हम लोगों ने नाम दिया मिड वेन, मिड रिब, मिड वेन भी बोल सकते हैं, लेमिना हो गया, मिड रिब हो गया, एंड मिड रिब से जो छोटा छोटा वेन या फिर ब्रांचेस निकलता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया वेन्स, ठीक है। नाउ अगर उसी लीफ को हम लोगों ने सेक्शन किया, लीफ का अगर हम लोग सेक्शन करते हैं, सेक्शन करने के बाद उस लीफ को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या क्या है देखो, द सरफेस ऑफ द लीफ इज, लीफ जो है इज कवर्ड बाय, ये जो स्ट्रक्चर जो है दिस वन इज कॉल्ड एज इपिडर्मिस, ये इपिडर्मिस मतलब आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द लीफ, एंड दिस इपिडर्मिस इज कवर्ड बाय वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल, ये क्या है वैक्सी क्यूटिकल है, ठीक है, इपिडर्मिस इज कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। अभी चलते हैं इपिडर्मिस अगर आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ऊपर भी है आउटर इपिडर्मिस भी है इनर इपिडर्मिस भी है। अभी इपिडर्मिस के ठीक नीचे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट जिसको हम लोगों ने नाम दिया है पेरेन्केमेटस टिश्यू। इसमें देखो बहुत सारा डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दिस डॉटेड स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है टिश्यू के अंदर इसको हम लोगों ने नाम दिया है क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट। तो स्ट्रक्चर को और भी डिटेल्स में अगर देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एयर स्पेस, एंड ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ लीफ या फिर एक सेक्शन ऑफ लीफ। तो उस सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, इपिडर्मिस के नीचे जो पेरेन्केमेटस टिश्यू होता है उसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जहां पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अभी हम लोगों को समझना होगा, ये तो हो गया हम लोगों का साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी हम लोगों को समझना होगा इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या इवेंट होता है, तो फोटोसिंथेसिस के इवेंट में क्या क्या होता है देखो, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट जो इवेंट आता है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। दूसरा जो इवेंट आता है वो क्या है देखो, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ
वाटर, ठीक है, ये हो गया दूसरा इवेंट। एंड थर्ड जो इवेंट होता है वो है, तो फर्स्ट इवेंट अगर देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, फर्स्ट इवेंट। दूसरा जो है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एंड थर्ड जो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो दीज आर द थ्री मेजर इवेंट्स व्हिच आर ऑकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये तीन प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट। देन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा एंड ऑल्सो द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको ब्रेक किया जाएगा। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया था उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एस कार्बोहाइड्रेट। तो दीज आर द थ्री मेजर इवेंट जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है। तो दीज आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंटली समझना होगा व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को समझना होगा अबाउट द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का क्या क्या इवेंट होता है हम लोगों ने देख लिया था। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एंड थर्ड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। अभी हम लोग जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस को अगर हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे उसमें से हम लोगों को क्या दिखाई देता है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज एक्ट एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे अगर देखो पहले हम लोगों को समझना होगा रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फर्स्ट रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द सनलाइट, सेकेंड वन इज द क्लोरोफिल पिगमेंट, थर्ड वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज द वाटर, ठीक है। तो दीज आर द फोर रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है कि वेदर द लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट, ठीक है। अभी इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड एज, एक्सपेरिमेंट का मेन टॉपिक क्या है, सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हम लोगों को चेक करना। वे कैसे चेक करेंगे उसको हम लोग स्टेप वाइज समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, स्टार्ट फोटोसिंथेसिस के बाद क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट बॉडी में ग्लूकोज जो है कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च क्या है, स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट, क्लियर। स्टार्च क्या है, स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट। तो कैसे बनता है, ग्लूकोज ही, ग्लूकोज जो है वही कन्वर्ट होकर बन जाता है स्टार्च, प्लांट पे स्टोर रहता है। अभी देखो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले क्या करना होगा, एक प्लांट को सिलेक्ट करना होगा एंड वी हैव टू कीप द प्लांट इन डार्क प्लेसेस। एक प्लांट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, डार्क प्लेस में रखेंगे। तो डार्क प्लेस में रखने से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होने से ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लूकोज अगर फॉर्मेशन नहीं होता तो स्टार्च का भी फॉर्मेशन नहीं होता। तो अगर हम लोग स्टार्च को रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है डी स्टार्च, डी स्टार्च मतलब रिमूवल ऑफ स्टार्च। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, देखो डी स्टार्च लीफ,
जिस ये जो प्लेन जो है, प्लेन को पहले हम लोगों ने डार्क प्लेस में रखा था, उससे क्या होता है उसका स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उसका जो लीफ जो है, लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, डी स्टार्च लीफ, मतलब स्टार्च इज रिमूव फ्रॉम द लीफ। कैसे हम लोगों ने रिमूव किया, बाय कीपिंग इन डार्क प्लेसेस और नियर अबाउट 3 to 5 days, 3 to 5 days के लिए उस प्लेन को जब हम लोग अंधेरे में रखेंगे तो उसका स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस लीफ में स्टार्च का कॉन्टेंट नहीं होगा, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, देखो डी स्टार्च लीफ। चलिए अभी जो लीफ डिस्टार्च हम लोगों ने किया था उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द लीफ कवर्ड एंड एक्सपोज टू सनलाइट। या फिर ये जो सेंटर ऑफ द लीफ जो है, डिस्टार्च लीफ जो है, उसको हम लोगों ने कवर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल या फिर कार्बन पेपर, और बाकी पार्ट जो है वो खुला रखा है विच इज एक्सपोज टू सनलाइट। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ द लीफ कवर्ड एंड एक्सपोज टू सनलाइट, सिर्फ सेंटर पार्ट को हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, बाकी पार्ट जो है लीफ का वो सनलाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है या फिर रिएक्ट कर सकता है। हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, जिस लीफ को हम लोगों ने कवर अप कर लिया था उस लीफ को हम लोग निकाल लेंगे फ्रॉम द प्लेन बॉडी आफ्टर इंटरेक्शन विद द सनलाइट। जिस, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जिस लीफ को हम लोगों ने कवर अप किया था फॉर आवर एक्सपेरिमेंट उसको हम लोग निकाल लेंगे अलग से, देन इट इज डिप्ड, देन द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर। वाटर में बॉइल करने का पर्पस क्या है, सेल मेम्ब्रेन को परमेबल करना टू एब्जॉर्ब द आयोडीन। अभी बात में समझाएंगे इस आयोडीन का इम्पोर्टेंस क्या है। हो गया बॉइलिंग, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, आफ्टर बॉइलिंग लीफ इज देन केप्ट इनटू द एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो एल्कोहल के अंदर हम लोगों ने लीफ को रखा है और उस एल्कोहल को हम लोग डायरेक्टली हीट तो नहीं कर सकते, उससे क्या होता है, देखो हम लोगों ने वाटर बाथ लिया, हॉट वाटर बाथ मतलब एक बड़ा बीकर लिया है जिसमें पानी है, एंड उस बीकर के अंदर और एक छोटा बीकर लिया जिसमें उस लीफ को हम लोगों ने रखा है, एंड वी आर जेंटली हीटिंग द लार्ज साइज बीकर। अगर सिंपली मान लो कि अगर हम लोगों ने स्मॉल साइज बीकर को डायरेक्टली अगर हीट किया होता तो हम लोगों को पता है एल्कोहल क्या है, इट इज ए हाईली इनफ्लेमेबल केमिकल, मतलब कभी भी ये आग पकड़ सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ा बीकर लिया जिसमें पानी है, उस बीकर के अंदर और एक छोटा बीकर लिया जिसमें हम लोगों ने उस लीफ को डाल दिया, हम लोगों ने धीरे धीरे हीट करना शुरू कर दिया। इसका पर्पस क्या है, जितना हम लोग हीट करेंगे एल्कोहल क्या करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट को रिमूव करने में हेल्प करेगा, तो जितना यहाँ पे हम लोग हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल क्या करेगा, जो लीफ पार्ट में जो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल को रिमूव कर देगा। अगर लीफ से क्लोरोफिल रिमूव होता है इट मीन्स द लीफ बिकम कलरलेस, लीफ अभी समझो लीफ क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, तो यही है, लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर देन हीटेड विद एल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को जैसे हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है, एल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को जैसे हम लोगों ने रिमूव किया तो लीफ बिकम, जो पहले जो लीफ जो था इट बिकम क्या हो गया, कलरलेस लीफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस कलरलेस लीफ के ऊपर हम लोग आयोडीन को डालेंगे। यहाँ पे देखो आयोडीन इज एडेड ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द लीफ, प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्ट को हम लोगों ने कवर अप किया था इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। जब हम लोग आयोडीन पुट अप करेंगे तब क्या दो तरीके का अपीयरेंस दिखाई देता है, कवर्ड पार्ट जो है, कवर्ड पार्ट डज नॉट टर्न इनटू ब्लूइश ब्लैक। तो ब्लूइश ब्लैक अगर देखो, जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है इट टर्न्स इनटू ब्लूइश ब्लैक। ठीक है, अगर रिएक्ट, अगर स्टार्च नहीं होगा तो दैट मीन्स वो ब्लूइश ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा। तो जब हम लोगों ने उस लीफ को आयोडीन से हम लोगों ने अप्लाई किया तब क्या देखा, कवर पार्ट जो जिस पार्ट को हम लोगों ने कवर किया था उस पार्ट में ब्लूइश ब्लैक कलर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और ये जो पार्ट जो है लीफ का वो क्या था, सनलाइट की तरफ था, उसको जब हम लोगों ने, उसके ऊपर जब हम लोगों ने आयोडीन दिया तो यहाँ पे देखो ब्लूइश ब्लैक या फिर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर, इट मीन्स द पार्ट ऑफ लीफ व्हिच इज एक्सपोज टू सनलाइट उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है एंड स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है।
और जिस पार्ट को हम लोगों ने कवर अप किया था इसमें लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, इट मीन्स इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ एंड स्टार्स का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसमें से क्या समझ में आता है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस वन इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बाकी जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।